समिति प्रबंधन की बड़ी लापरवाही यहां पर साफ नजर आ रही है, जहां पर कि दीमक की चपेट में हजारों क्विंटल गेहूं आया है। यह पूरा मामला है जिला नरसिंहपुर के तहसील गोटे गांव की जमुनिया समिति के उपार्जन केंद्र बगासपुर का, जहां पर शासकीय खरीदी केंद्र में रखी हजारों क्विंटल गेहूं दीमक खराब कर रही है। दीमक लगने से स्टेडियम ग्राउंड में बिखरा गेहूं, बादानों को काट गेहूं को जमींदोज कर रहे हैं दीमक। साथ ही सहकारी समिति जमुनिया के प्रबंधक की बड़ी लापरवाही इसमें सामने निकल कर आ रही है। सरकार को लगा सकते हैं लाखों रुपए का चूना। एक जरा सी लापरवाही के चलते सरकार को लग सकता है लाखों रुपए का चूना। जी हाँ, जब पहले से दीमक की समस्या का आपको मालूम था तो क्यों नहीं बिछाया था नीचे पॉलीथीन। साथ ही एक बड़ी हेराफेरी की मंशा इसमें नजर आती है कि कोई बड़ी हेराफेरी करने की मंशा से इसे दीमक के हवाले कर दिया गया है। साथ ही नरसिंहपुर जिले में हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो रहा है। वहीं साफ शब्दों में कहा जाए, जो अनाज गरीबों के मुंह का निवाला बनने वाला था, अब वह दीमक का भोजन बन चुका है। तो सबसे बड़ी लापरवाही प्रबंधक की इसमें नजर आती है, जो कि दीमक के भरोसे उन्होंने अपने सारे अनाज को छोड़ रखा है।